चलिए कोऑर्डिनेट में अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन का रिवीजन। अब मैं इसका रिवीजन आपको थ्रू क्वेश्चन ही करवाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए 2002 का क्वेश्चन है और अक्सर लोकस में प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्वेश्चन के थ्रू लोकस के क्वेश्चंस के कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। क्या क्वेश्चन है? द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन बिटवीन द एक्सिस ऑफ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, वेयर पी इज अ कॉन्स्टेंट। याद रखिएगा कभी भी, अब जैसे इसमें लोकस पूछा है तो लोकस वाले कंसेप्ट पे फोकस करना है, और लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन बिटवीन द एक्सिस मीन्स अगर ये लाइन एक्सिस को कट करे तो जो उसका मिड पॉइंट होगा उसका आपको लोकस बताना है। याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन की एक होती है स्लोप फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप फॉर्म में m जो होता है स्लोप होता है और c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है। एक होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। एक होती है टू पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स वन। यहाँ पर ये जो पोर्शन है इस कॉल्ड स्लोप है। तो अगर आपको कभी स्लोप केवल बताना हो तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस बिटवीन एफसी सब। अब कब क्या दिया उसके ऊपर। एक होती है इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमेशा सबसे यूजफुल फॉर्म होती है, एरिया अंडर कर्व में भी काम आती है। इंटरसेप्ट फॉर्म से आप कभी भी लाइन का सही फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए हो और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बी है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। तो आपको कभी भी लाइन का डायग्राम बनाना है तो आप हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म पे जाएं। जैसे अगर इस क्वेश्चन को मैं समझूं तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स साइन कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब लोकस निकालना है तो इसकी अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी पी बाय कॉस अल्फा प्लस वाई अपॉन पी बाय साइन अल्फा दिस इक्वल टू वन। अब यहां पर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मुझे मिल गया, ये लाइन हो गई। यहां पर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस मिल गया पी बाय कॉस अल्फा, समझाने के लिए स्टेप्स लिख रहा हूं कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा पी बाय साइन अल्फा। देखिए लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालना, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम हमेशा एच के बोलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह जरूरत नहीं होती, आप जितना डायरेक्ट कर सकते हैं करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच की वैल्यू जो है वो होगी दिस प्लस दिस बाय टू यानी जीरो प्लस पी बाय कॉस अल्फा अपॉन टू, यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं पी अपॉन टू कॉस अल्फा, और ऐसा भी बोल सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू पी अपॉन टू एच। सिमिलरली अगर मैं के आपसे बोलता तो आप बोलते p अपॉन टू साइन अल्फा, मतलब साइन अल्फा भी क्या होता p अपॉन टू के। अब जब लोकस निकालना तो है पैरामीटर अल्फा है इसको एलिमिनेट करना है, तो इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर बाय फोर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय फोर के स्क्वायर। ये वन हो गया तो वन इक्वल टू पी स्क्वायर बाय फोर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर। ये एक ऑप्शन हो सकता है, hk की जगह xy लिख देंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी मैं बताता हूँ आपको 4 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर। आप hk की जगह डायरेक्टली xy भी ले सकते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं मैं समझा रहा था इसलिए hk लिया। तो ये लोकस ऑफ मिड पॉइंट आया 4 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय y स्क्वायर, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, इफ द पेयर ऑफ लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस, देन स्ट्रेट लाइन में मैं आपको स्ट्रेट लाइन के साथ साथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी रिवीजन करवाता हुआ चलूंगा। अब यहां पर आपको पता है ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि कई सारे कर्व को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको यहां पर एक जनरल कंसेप्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का समझाता हूं जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ये इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है जो कई सारे कर्व को रिप्रेजेंट करती है। सपोज ये इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो हमें डेल्टा निकालना होता है जो होता है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ। अब सपोज डेल्टा जीरो हो तो हम बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रियल या इमेजिनरी वो अलग बात है पर अगर डेल्टा जीरो हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर डेल्टा जीरो ना हो, ये कंसेप्ट हमने कॉनिक्स में पढ़ा, अगर डेल्टा जीरो ना हो
और सपोज ए इक्वल टू बी, एच इक्वल टू जीरो हो, तो इस समय हमें मिलता है सर्कल, राइट? क्या मिलता है? सर्कल। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो, एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हो, तो हमें इस समय मिलता है पैराबोला। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो, तो हमें मिलता है इलिप्स। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो, तो हमें मिलता है हाइपरबोला। तो ये तो हुई पेयर ऑफ, अभी जैसे इस क्वेश्चन में बोला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हो सकता है ये कंडीशन आपको कहीं पर काम आए, राइट? अच्छा, अब बात करते हैं अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, ये एडिशनल कंडीशन है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर हम बात करें, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी तो टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का भी हमारे पास डायरेक्ट तरीका होता है। अगर कभी कोई क्वेश्चन दिया है और आपको ये पता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दो लाइन से मिलके बनी है। कौन कौन सी? वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू। पर अगर आप इसे मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि सेपरेट इक्वेशन निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। इसकी जगह आप एक जनरल कंसेप्ट सीखें, जो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेगा, अगर सपोज सर्कल है तो सेंटर डायरेक्ट बता देगा, अगर हाइपरबोला है तो हाइपरबोला का सेंटर डायरेक्ट बता देगा, एलिप्स है तो एलिप्स का सेंटर बता देगा, और पैराबोला में सेंटर नहीं होता। तो मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप गिवन इक्वेशन को, सेकेंड डिग्री इक्वेशन को एज अ फंक्शन मानते हुए, एज अ फंक्शन मानते हुए क्या करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, इसको एक फंक्शन मानते हुए डिफ्रेंशिएट करिए पार्शियली, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई। पार्शियली डिफ्रेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है याद रखिएगा, जैसे डेल बाय डेल एक्स एक्स क्यूब करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर, पर डेल बाय डेल एक्स वाई क्यूब करेंगे तो एज अ कॉन्स्टेंट रीड होगा जीरो, जबकि टोटल डिफ्रेंशिएशन में ऐसा नहीं होता। तो एक बार इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, टू ए एक्स प्लस, एक्स के लिए कर रहे हैं तो टू एच वाई, ये जीरो, यहाँ पर प्लस टू जी, और इस इक्वेशन को आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए तो क्या आएगा, टू ए एक्स प्लस टू एच वाई प्लस टू जी इक्वल टू जीरो, और ऐसा भी बोल सकते हैं ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई करिए, जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वाई का वन, तो ये हो गया टू एच एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू एफ, इसको भी जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो मिलेगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू जीरो। रिमेंबर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो, अगर ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता रहा है, अगर ये लाइन सर्कल है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर बताएगा, अगर ये इलिप्स है तो सेंटर ऑफ इलिप्स बताने वाला है, अगर ये हाइपरबोला है तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला बताने वाला, और अगर ये पैराबोला होता तो ये दोनों इक्वेशन में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता। तो ये सबसे सिंपल तरीका है, ये एक जनरल कंसेप्ट मैंने आपको बताया, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं, पर ये एक जनरल लॉजिक हुआ। यानी अगर आपको इसमें पता है, जैसे इसमें बोला ये पॉइंट ऑफ, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो होगा, राइट? अब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो उससे क्या समझ में आता है वो समझे हम, और दूसरी बात रूट सेम होंगे। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम समझें, सबसे पहले कि ये लाइन जो पेयर ऑफ लाइन है ये वाई एक्सिस पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है लाइक दिस, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा वाई, राइट? अब अगर मैं एक्स के प्लेस पे जीरो रख दूं तो मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन मिली बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ये y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसका मतलब रूट्स आर इक्वल, यानी कंडीशन आएगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो की, तो b मतलब कितना है 2f, तो 4f स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू सी, यानी f स्क्वायर की वैल्यू bc के इक्वल आ गई। अब आप देखिए आपके पास बाई चांस ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एडिशनल कंडीशंस भी कहीं ना कहीं काम आने वाली है। एडिशनल कंडीशन कौन सी, कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ए बी सी प्लस टू एफ जी एच इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, ये माइनस होता है आपको याद हो, ये तीनों माइनस होते हैं, ये हो गया, राइट? अब ए बी सी प्लस टू एफ जी एच इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बी सी, तो यहाँ बी सी रख देते हैं, तो ए बी सी प्लस
प्लस टू एफ जी एच इक्वल टू ए बी सी प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल तो टू एफ जी एच इक्वल टू बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर। देखिए ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो ये हो गया। अगर ये दी होती कंडीशन तो यही हो जाता। अब यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है तो ये आ गया आंसर। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3ax² + 5xy + a² - 2 * y² = 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर टू वैल्यू ऑफ a, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a, फॉर वन वैल्यू ऑफ a, फॉर नो वैल्यू ऑफ a। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही रिविजन करवाऊंगा थ्योरी का। 2hxy + by² + 2gx + 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो में अगर कभी आपसे एंगल बिटवीन लाइन बोला जाए तो होता है टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसका मतलब अगर सपोज लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो थीटा इनफाइनाइट होगा, मतलब थीटा अगर 90 डिग्री है तो अपने आप ही ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर थीटा जीरो है इसका मतलब लाइन पैरेलल है, तो ये कंडीशन ए स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी की, ये परपेंडिकुलर की आ गई है, पैरेलल की कंडीशन आ गई। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट का सम जीरो होना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री ए इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर रूट्स रियल आए तो क्या होगा और इमेजिनरी आए तो क्या होगा। आप देखिए सी कभी भी निगेटिव हो, रिमेंबर सी कभी भी निगेटिव हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो एक कंसेप्ट आप हमेशा के लिए बिठा लें कि सी लेस देन जीरो देन रूट्स रियल, टू रियल रूट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए बाय टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो टू रूट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब हुआ टू वैल्यू ऑफ a। आंसर क्या हुआ, आपसे a की वैल्यू नहीं पूछी इसलिए जरूरत नहीं इसके आगे करने की, टू वैल्यू ऑफ a। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझें। If the equation of the locus of a point equidistant from the point a comma b a1 comma b1 and a2 comma b2 is a1 minus a2 into x plus b1 minus b2 into y plus c equal to 0, then the value of c means आपको एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है, बैच के की जगह आप एक्स वाई मान लें, जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस a1 b1 से और a2 b2 से डिस्टेंस इक्वल है, तो आपको जो कॉन्स्टेंट दिया हुआ इसकी वैल्यू निकालनी है। समझिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पी ए इक्वल टू पी बी और पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वन सॉरी x माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी टू का स्क्वायर, ये गिवन है। अब इसको इस फॉर्म में लिखिए तो देखिए क्या होगा, ये जब हम लिखेंगे इसको तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स वन 2a1x प्लस ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी वन वाई प्लस बी वन स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी यही आ जाएगा, देखिए x स्क्वायर जो कैंसिल हो जाएगा उससे माइनस टू एक्स ए टू प्लस ए टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी टू वाई प्लस बी टू स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर कम्प्लीटली कैंसिल, यहाँ पर a1 माइनस a2 है, इसका मतलब इसका हम ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लिया तो क्या मिला a1 माइनस a2, 2y कॉमन लिया तो क्या मिला b1 माइनस b2, राइट। और बाकी क्या क्या मिला हमारे पास, प्लस ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस a1 स्क्वायर माइनस ऑफ b1 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए कंपेयर करें आप ध्यान से, तो यहाँ पर टू नहीं है, इसका मतलब टू का डिवाइड कर दीजिए, तो टू का डिवाइड करने पर आपको ये जो रिजल्ट मिला इस कॉल्ड सी, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर बाय टू जो है वो वैल्यू आएगी सी की। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।